कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का पाठ 2.1 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए इसमें देखते हैं क्या चीज है। ये वास्तव में भारत का एक सामान्य परिचय है इसके अंदर जो दिया हुआ है पाठ 2.1 में भूगोल के। चलो देखते हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले है विश्व की सबसे ऊंची व नवीनतम पर्वतमाला हिमालय है। तो दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है। भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र कारगिल है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासीन राम में होती है। भारत में मानसूनी जलवायु है। दक्षिण एशिया के देश भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। खैबर और बोलन हिमालय के दो प्रमुख दर्रे हैं। दक्षिण एशिया में राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन गठित किया गया है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। चलिए थोड़ा सा मानचित्र देख लेते हैं बच्चों। ये आपका एशिया दिखाई दे रहा है पूरा। एशिया में ये ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, ये बीच में ये लाल सागर दिखाई दे रहा है और प्रशांत महासागर इधर पूरब में दिखाई दे रहा है आपको और ये भारतीय उपमहाद्वीप ये दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ये दिए हुए। तो इस उपमहाद्वीप को दिखाया गया यहाँ पे। तो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें बगल में आपका ये अरब सागर पाया जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी है इसके दाएं में और नीचे की तरफ हिंद महासागर। तो तीन तरफ से जो है ये जल मार्ग जल है पूरा और ऊपर की तरफ जो है हमारी पर्वत श्रेणी हिमालय है। इस तरह से ये भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस चित्र में भी भारतीय उपमहाद्वीप को ही दर्शाया गया है लेकिन ये छोटा सा आपको जो फलक करके दिखाया गया इतना सही है। इसके इस साइड में ये पाकिस्तान है, इधर नेपाल है और बीच में तो भारत दिखाई दे रहा है। इधर अरब सागर मैंने दिखाया था, ये बंगाल की खाड़ी हो गई है और ये मालदीप है, हिंद महासागर ही पूरा यहाँ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा हम दर्रे की भी बात कर रहे थे तो दर्रा है ये खैबर दर्रा है, बहुत ही फेमस दर्रा है ये बच्चों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें जाना बड़ा ही दुर्लभ होता है, यहाँ तक पहुंचना इसको पार करना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपको दिखाया गया भारत का पूरा नक्शा दिखा रखा है। भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो ये है आपका 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। इसके बाद पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है ये 2933 किलोमीटर। तो बच्चों ये पूरा भारत दिखाई दे रहा है आपको। भारत में ये कर्क रेखा बीचोंबीच गुजर रही है, मानक याम उत्तर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका। और इसमें हर एक चीज दिखाई दे रही है, बांग्लादेश है ये दूसरी तरफ का है, ये म्यांमार है ये अलग है आपका और ये नेपाल आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी आपका अलग देश है, भूटान है ये भी अलग देश है लेकिन बाकी सब ये जो है ये भारत का एक हिस्सा पूरा का पूरा अभिन्न है ये। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं नक्शे को ही देखते हुए। ये नक्शा भी दिखाई दे रहा है, ये भारत का उच्चा बस दिखाया हुआ है इसमें, ये हिंदू का पर्वत श्रेणी है यहाँ पर ऊपर की ओर दिखाई दे, पामीर का पठार है ये और ये कुल्लू श्रेणी है और यहीं पर आपका ये हिमालय की पर्वत श्रेणी है पूरी जो दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे अरावली श्रेणी है आपका, ये विंध्य श्रेणी यहाँ पर है, सतपुड़ा की श्रेणियां है यहाँ पे और ये पूर्वी है, ये पूर्वी चार्ट है यहाँ पे देख लीजिए, पूर्वी घाट आपका दिखाई दे रहा है पूरा है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा नक्शा बन जाता है। इसकी ऊंचाई मीटर में यहाँ दे रखी है, हर जगह की ऊंचाई के लिए दिखा रखा है हमारे में और वहां पे लिखा हुआ भी है। तो ये बीच में ये उत्तरी मैदान दिखाई दे रहा है आपको, ये उत्तर का मैदान दिखाई दे रहा है और ये छोटा कानपुर का पठार है, ये छोटा कानपुर का पठार यहाँ दिखाई दिया। ये भारत का मरुस्थल है जो कि रेगिस्तान है, मतलब राजस्थान की तरफ ये पड़ता है आपका। ये है सुलेमान श्रेणी यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये हिंदू को सबको बताई गया था पहले।
ये प्राकृतिक के बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इस तथ्य के बारे में भी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपकी हिमालय की चोटी दिखाई जा रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ तक पहुंचना लोगों का बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कम से कम चित्र के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ये हिमालय की पर्वत श्रेणी यहाँ पे दिखाई गई है, कैसे कैसे वो जो दिखाया हमने वही है। ये हिंदुकुश पर्वत है, ये कुनकुन श्रेणी है, ये असील वन दर्रा है यहाँ पे, ये काकोरम दर्रा है यहाँ पर, ये मरण श्रेणी है और इधर जाकर श्रेणी है, यहाँ पे भास्कर जास्कर श्रेणी जो भी है, और ये आपको दिखाई दे रहा है शिवालिक श्रेणिया है ये जो, और आगे जो है यहाँ नदियों के बारे में दिखा रखा है, ये यमुना नदी आपको दिखाई दे रही है, ये गंगा नदी है, यही दोनों फेमस नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं और सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है। बीच में ये घाघरा नदी पड़ती है, अब ये गंडक नदी है यहाँ पर, मसेन नदी है यहाँ पे, ये चंबल नदी बहती है, इधर सिंधु नदी चल रही है, ये सतलुज नदी दिखाई दे रही है, रावी नदी है, झेलम नदी है, सिंधु नदी है, ये सब यहीं से निकलने वाली नदियां हैं। ये भारत का जो है आधा स्वरूप आपको दिखाया गया है। आधा में हम और बात करेंगे यहाँ पर, और भी देखो ये सांको नदी है यहाँ पे, नामचा बरुआ है यहाँ पे, ये चीन का हिस्सा है तिब्बत वाला, ये मानसरोवर है जहाँ एवरेस्ट मौजूद है, ये मेन जगह है जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, तो वो यहीं पे है, मानसरोवर में स्थित है। चलिए आगे वाले, ये कच्छ का रन है आपको दिखाई दे रहा है, ये कच्छ है, कच्छ का रन है, तो इस तरह से ये बगल में आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, इस तरह से पूरी की पूरी जो है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम अगले आगे मैप को यहाँ देखते हैं, इसके बाद चलो ये घाटी है देखो बच्चों, तो ऐसी घाटी को जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ हो उसे अंतः पर्वतीय घाटी कहते हैं। कश्मीर की घाटी एक अंतर पर्वतीय घाटी है जहां पर वर्ष भर ठंड पड़ती रहती है। चलिए कश्मीर की एक झलक भी देख लीजिए, ये डल झील है, डल झील में जो है ये नाव पर ये घर बने हुए रहते हैं, बोट हाउस बोलते हैं इसको, इस पे आराम से आदमी रह भी सकता है और दिनचर्या इसकी यहाँ पे कट सकती है और बहुत आनंद ले सकता है कि पानी के ऊपर कैसा उसको अनुभव होता है, ये फूल वगैरह ले जाकर के सवेरे बेचने का काम करती है। चलिए यहाँ का एक बहुत फेमस फूल है केसर, केसर का फूल, और ये केसर है आपका, केसर बहुत महंगी बिकने वाली फूल की ये परागण है ये, तो बच्चों इसमें ध्यान रखना ये सोने से भी महंगा बिकता है बच्चों, इसका एक एक दाना ये निकालना पड़ता है फूल से, फिर सुखा करके फिर उसको मार्केट में लाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पहाड़ का एक गांव दिखाई दे रहा है, पहाड़ में गांव ऐसे बने हुए होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं बना सकते, ढोजला नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनके गिरने का डर रहता है, भूस्खलन बहुत ज्यादा आता है, नदियां आती हैं, ये बढ़ता है पानी का, जब बरसात होती है तो ये पूरा का पूरा भर जाता है और उसको बाहर करके लेके चला जाता है, इसलिए इसको अस्थायी तौर पर बनाया जाता है, थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाते हैं लेकिन ज्यादा ऊंचाई पे भी बना देंगे तो वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। चलिए ये एक और देखिए, सीढ़ी नुमा खेत है वहां के जो होते हैं, अधिकतर सीढ़ी नुमा ही खेत होते हैं, खेत ठीक ठाक तो बनते नहीं, प्लेन होते नहीं है, एक जगह का पानी दूसरे में जाएगा, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, जिसके एक मकान डाल करके सारे मकान चला लेते हैं और खेती भी होती रहती है। चलिए थोड़ा सा चारागाह भी देख लीजिए, ये है बुग्याल बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना इसका नाम जो है बुग्याल है, और जहाँ भेड़ों के लिए पर्याप्त घास मिलती है, मतलब ये चार सकते हैं यहाँ पर आसानी से रह सकती है। चलिए आगे देखते हैं, ये बेचारा ये सबसे बड़ा जो डर होता है वो हमारे यहाँ भूस्खलन का सबसे ज्यादा डर होता है, कब कौन सी गाड़ी के ऊपर ये बरस जाए उसका पता नहीं, कब इसका जीवन यहीं पे समाप्त हो जाए। ये कार आपको दिख रही है भूस्खलन में गलती से फंस गई है यहाँ पे, अब इसको पता थोड़ी ना है कहाँ ऊपर से ये पहाड़ गिरने वाला भी है, ये जैसी आई है वैसी ये गिरा है, तो ना तो आगे जा सके ना ही पीछे जा सके। चलिए इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, जरा ये आपको दिखाया जा रहा है पूरा पूर्वी हिमालय दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये नामचा बरुआ है यहाँ पे, ये सपांगो नदी है यहाँ पे, चीन का तिब्बत पठार रही है, एवरेस्ट पर्वत जो मैंने बताया वो है, ये मतालू है यहाँ पे, कंचनजंगा है जो दूसरे नंबर पे आती है सबसे ऊंची चोटी पे, ये जेल जेपला भूटान में है, ये डापला श्रेणी है बोर्डवाला, इसके बाद ये गारो श्रेणी है, ये खासी श्रेणी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, जतिया श्रेणी यहाँ पाई जाती है, ये नागा श्रेणी है यहाँ पे, ये पटकाड़ भूम है और द्रौपदी नदी है यहाँ पे, और ये बिहांग नदी है।
चलिए यहाँ देखते हैं क्या ये मिजो श्रेणी है यहाँ पे पड़ी हुई है। ये बांग्लादेश आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ तीस्ता नदी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये कोसी नदी है और नेपाल है। नेपाल से कोसी नदी होती है, जो कि कोसी नदी बिहार के लिए बहुत ही दुर्दायी साबित होती है। ये गंडक नदी है और ये गंगा नदी है जो आकर के यही बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। पश्चिमी बंगाल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बंगाल की पूरी खाड़ी है जो यहाँ पर आकर के सुंदरबन में सबसे बड़ा डेल्टा है वो यही पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। तो ये इधर बच्चों म्यांमार दिखाई दे रहा है, करगिल करती बीचों बीच जा रही है। ये पूर्वी हिमालय आपको पूरी अच्छी तरह से दिख चुका है, इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मेन इसमें एवरेस्ट पर्वतमाला भी आता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है और कंचनजंगा को भी, दोनों चीजों को बहुत जानना जरूरी, इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए अब कुछ प्रश्नों पर और कुछ प्रश्न खाली स्थानों पर चलते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें दिया हुआ है हिमालय एक पर्वत है, तो ये नवीनतम पर्वत है बच्चों, ध्यान रखना ये नवीनतम लिखेंगे यहाँ। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश जो है वो भारत है, भारत सातवें नंबर पे आता है। भारत के मध्य से रेखा गुजरती है, जो मैंने दिखाया था कर्क रेखा गुजरती है बच्चों, कर्क रेखा गुजरती है। पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कितनी पूर्वी है ये बच्चों, ये है 82° 30' ये मिनट। चलिए आगे देखते हैं पांचवे नंबर पे, भारत के दक्षिण में महासागर है कौन सा है, हिंद महासागर है, तो यहां लिखेंगे आप हिंद महासागर। वैसे बच्चों महासागर यहाँ लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो महासागर को हटा सकते हो, केवल हिंद भी लिख सकते हो कि यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद यानी कि लिख करके काम चला सकते हो। चलिए आगे चलते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक है, भारत देश का मानक समय किस रेखा से निर्धारित होता है, बच्चों ये बताना है किस रेखा से निर्धारित होता है। तो उत्तर है भारत देश का मानक समय 82° 30' पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। प्रश्न है भारत का जल संबंधी मतभेद किन किन देशों के साथ है, तो उत्तर है ये भारत का जल संबंधी मतभेद पाकिस्तान चीन और बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% जनसंख्या भारत में निवास करती है। द्वीप से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर है ये द्वीप एक भूभाग है जो चारों ओर से जलराशि से घिरा होता है, उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप वह भूभाग है जो तीन ओर से जलराशि से घिरा होता है, उदाहरण के लिए प्रायद्वीपीय भारत जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा है, इसलिए भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है। मानचित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यहाँ पे बच्चों देख लो क्या क्या है, ये अफगानिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर है, जम्मू दिखाई दे रही, हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी शिमला है, ये उत्तराखंड है इसकी राजधानी देहरादून है, ये पंजाब और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, पंजाब और हरियाणा दोनों की मिली जुली चंडीगढ़ है, दिल्ली है इसकी नई दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये लखनऊ है इसकी राजधानी, नेपाल है ये और यहाँ सिक्किम है, गंगटोक है इसकी, भूटान है इसकी और इधर अरुणाचल प्रदेश है इसका ईटानगर है, असम है, नागालैंड है, कोहाम है इधर और सिवुलांग है, यहाँ इम्फाल है और आइडोल है, मिजोरम है यहाँ पे, अगरतला है बांग्लादेश की है और इस तरह से कोलकाता है यहाँ बंगाल की, झारखंड की रांची है यहाँ पे, बिहार की पटना है और छत्तीसगढ़ की रायपुर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, गुजरात की गांधीनगर है और राजस्थान की जयपुर है और पाकिस्तान है ये बगल में। इस तरह से ये सारी चीजें राजनीतिक पड़ोसी देश दिए हुए मानचित्र का ये, तो पूरा चित्र आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ये आधा मैंने दिखाया है यहाँ पे, तो आधा हम फिर से देख लेते हैं, ये यहाँ पर है यहाँ, ये दमनद्वीप और दादर नगर हवेली है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, रायपुर मैंने बताया था छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उड़ीसा है इसकी भुवनेश्वर है, तेलंगाना है ये हैदराबाद हो गया, कर्नाटक का बेंगलोर है यहाँ, चेन्नई का पांडिचेरी है, तमिलनाडु और इधर केरल है,
केरल का तिरुवनंतपुरम, श्रीलंका की लंका है, और ये हिंद महासागर है, ये कवरती है, लक्षद्वीप है, ये अरब सागर या लक्षद्वीप की कवरती है, और इधर भी है पोर्ट प्लेयर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो पोर्ट प्लेयर है। इस तरह से आपको पता ना कि इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जरा क्या क्या है। ये है पहला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर या किस खाड़ी में है, तो अंडमान निकोबार समूह बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप किस सागर की खाड़ी में है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, तो बच्चों ध्यान से रखना, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा दक्षिण में तेलंगाना, पूर्व में उड़ीसा, उत्तर पूर्व में झारखंड, और उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र से घिरी हुई। तो देख लो, गिन लो, ये नंबर एक हो गया, ये नंबर दो हो गया, ये नंबर तीन हो गया, और ये नंबर चार हो गया, और ये नंबर पांच हो गया, और ये नंबर छह हो गया, यानी छह राज्यों से ये घिरी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत के मध्य में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य में कर्क रेखा यानी 23.1/2 अंश अक्षांश रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत का विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो उत्तर है, ये मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले नक्शे में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर एवं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2,933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के उन राज्यों की पहचान कीजिए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो उत्तर है, ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा किन किन देशों को स्पर्श करती है, तो ये उत्तर है, भारत की स्थल सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार देशों को स्पर्श करती है। भारत में मान यानी भारत मानचित्र में भारत के पड़ोसी देशों के बीच की सीमा किस चिन्ह द्वारा दिखाई जाती है, तो ये उत्तर है, मानचित्र में भारत के पड़ोसी देशों के बीच की सीमा डॉटेड चिन्ह द्वारा दिखाई, बीच में किन मिलती रहती है, चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। ये चिन्ह बच्चों याद रखना, इनके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न है, भारत किन किन सागरों व महासागरों से घिरा हुआ है, तो उत्तर है, ये भारत पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, तो सबसे पहले है नंबर एक, ऐसा माना जाता है कि हिमालय और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत होता, क्या होता, लिखना था, ये मरुस्थल होता बच्चों, मरुस्थल। चलिए नंबर दो, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद ऊंची पर्वत श्रृंखला अवश्य है, लेकिन उन्हें जटिल पहाड़ों के बीच कई संकरें भी मौजूद हैं, जैसे और बोला, तो बताना है दर्रे हैं, यहाँ पे आएगा पहले में तो दर्रे भरा जाएगा और दूसरे में खैबर, खैबर और बोलन दो हैं इसमें दर्रे। नंबर तीन कह जाइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में, दक्षिण में जो है ये 8.04 का है, से उत्तर में जो है वो 37.06 उत्तरी अक्षांशों के बीच और पश्चिम से पूर्व तक देशांतरीय रेखा, देशांतरीय विस्तार 68.07 और पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। नंबर चार, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग प्रतिशत आबादी है, कितने हैं, 17.2%, ये याद रखना है बच्चों, 17.2% आबादी रहती है। चलिए अगला प्रश्न चल रहा है, हिमालय से निकलने वाली सदानीर नदियों के नाम बताइए, तो देखिए बच्चों, नंबर एक सिंधु है, उसके सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, झेलम, व्यास, चिनाब,
तथा गंगा व उसकी सहायक नदियां यमुना गंडक घाघरा आदि सदा नील नदियां हैं, मतलब हमेशा इसमें जल रहता, कभी सूखता नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है? तो उत्तर है, उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा हिमालय पर्वत करता है। अगला प्रश्न है, भारत की बाह्य सीमा को छूने वाले पड़ोसी देशों की सूची बनाइए। जरा देखते हैं, उत्तर है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है और चीन है। प्रश्न है सात, FAARC से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है इसका, दक्षिण एशिया के देशों ने आपसी राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन साथ का गठन किया है, यानी FAARC। अगला प्रश्न है, आपके राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? सूची बनाइए। तो हमारे राज्य में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी है? हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल आदि, इस प्रकार के जो है 22 भाषाएं बोली जाती है। ये लेसन बच्चों यही समाप्त हो रहा, 22 के 22 मैं नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पे, आप लोग लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, नीचे ही लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया बताऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और इसे देख सको। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।